रामपुर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान का पोस्टर लगाकर बसपा के रोड शो में वोट मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है और यह वीडियो बसपा के रामपुर लोकसभा प्रत्याशी जीशान खान के रोड शो के दौरान का है। रोड शो के काफिले के आगे आजम खान और उनकी पत्नी उनके बेटे का पोस्टर लगाकर वोट मांगे जा रहे हैं। बसपा प्रत्याशी जीशान खान का किस तरीके से दबदबा है आज भी रामपुर में यह साफ देखा जा सकता है। आज का रोड शो देख के तो वाकई लग रहा है कि हम लोग जीत गए हैं, कामयाब हो गए हैं और जिस तरीके से रामपुर की जनता ने रामपुर के बेटे को अपना लिया है इसके लिए सब पूरे तहे दिल से पूरे ज़िले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी गर्मी में इतनी धूप ने सब में निकल कर बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया है और उसके लिए मैं पूरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ पूरे ज़िले का। देखिए रामपुर हमेशा से 50 साल की सियासत आजम खान साहब की रही है और अगर उसमें रामपुर की जनता के दिल में आजम खान के लिए प्यार है और एक आक्रोश भी है जो उनकी पार्टी ने उनके साथ में किया है और अगर उन्होंने नारे लगाए तो ये रामपुर शहर है ये आजम खान के नाम से जाना जाता है तो इसमें जो है यही कहा जा सकता है कि रामपुर की जनता है, जनता की आवाज़ है। यूपी के कौशाम्बी जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मंझनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज का विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इंद्रजीत सरोज ने मंझनपुर विधानसभा क्षेत्र के पश्चिमी शरीरा गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए चमार और ब्राह्मण बिरादरी पर विवादित बयान दिया है और बगल में खड़े सपा के जिला अध्यक्ष दयाशंकर यादव भी इंद्रजीत सरोज के इस बयान पर अपनी सहमति जताते नजर आ रहे हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने कौशाम्बी लोकसभा सुरक्षित सीट से इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेन सरोज को टिकट दिया है और बेटे को टिकट मिलने के बाद इंद्रजीत सरोज जिले में प्रचार प्रसार में जुटे हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि प्राइम टीवी नहीं करता है।